हेलो फ्रेंड्स, एक पहल भाई शोभना मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप वो जगह देखेंगे जहां रहकर अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें आज़ादी दिलवाई थी और इस जगह का नाम है काला पानी जेल। ये नाम तो हमने बचपन से सुना और पढ़ा था, अब आने का मौका भी मिला। आज के समय में इस जेल से मीलों दूर बैठे हम आज़ाद पंछी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने, भाइयों ने अंग्रेज़ों के कितनी तरह तरह के जुल्म सहकर अपनी जान की कीमत चुकाकर हमको आज़ादी दिलवाई है। उन सभी वीरों को हम नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जेल दिखाते हैं। सेलुलर जेल पे बनाई वीडियो बहुत ही खास है, आप पूरा देखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बटन दबा दीजिए और एक वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे। जैसे कि इस जगह का नाम है और ये इतना दूर है कि आज भी आना यहाँ पर इतना आसान नहीं है। प्री प्लानिंग करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा मोटा पैसा खर्च होता है आने जाने में। पोर्ट ब्लेयर तक आने के लिए आपके पास दो रास्ते होंगे, हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज़ से। हम आए थे हवाई जहाज़ से, सेम डे ही पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए थे। लगभग 5 घंटे लगे थे, कनेक्टेड फ्लाइट थी दिल्ली से बेंगलोर और बेंगलोर से पोर्ट ब्लेयर। शिप से भी आप आ सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 से 3 दिन लग जाएगा। अपने जो कोस्टल एरिया है कोचिन, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह से शिप चलते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग बाई एयर आए थे। फ्रेंड्स, मेरी यहाँ की ट्रिप का एक पूरा वीडियो कंप्लीट जानकारी और एक्सपीरियंस वाला मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अगर कोई भी आप में से यहाँ आते हैं तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी उससे मिल जाएगी। वैसे तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है गूगल वगैरह पे, लेकिन हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की रियलिटी पता चलती है, प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। दिल्ली से 7 बजे की फ़्लाइट थी, कनेक्टेड थी बेंगलोर से, और दोपहर के 2 बजे हम पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पहुँच गए थे। हमारा ट्रिप था 7 से 11 नवंबर। वैसे दिसंबर यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम होता है, हमारे तब भी काफ़ी बारिश हो रही थी। और इन 4-5 दिनों में तो सब कुछ नहीं देखा जा सकता, लेकिन काफ़ी कुछ देखा और वो काफ़ी अच्छा भी था। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम दिल्ली से इतना दूर आ गए हैं, क्योंकि जो हमने कलकत्ता, कोचीन, साउथ इंडिया, केरल वगैरह में जैसे सीन दिखाई देते हैं वैसे ही बिल्कुल यहाँ भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ 5 लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, तो लैंग्वेज को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और खाना भी वेज, नॉन वेज सब जगह दोनों ही तरह का मिल रहा था। अंडेमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद हम सबसे पहले पहुँच गए थे सेलुलर जेल। जेल पहुँचने की दोस्तों किसी को भी खुशी नहीं हो सकती, लेकिन इस जेल में पहुँचने के बाद हमें गर्व महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हमें आज़ादी। जेल की टिकट केवल 30 रुपये की होती है, 300 रुपये में लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं, जो हम गए उस समय बंद था मेंटेनेंस की वजह से। जैसे हम गेट में एंटर करते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड म्यूजियम और गैलरी, फोटोज़ गैलरी बनी हुई है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से रीड करके जो हकीकत थी, अब हिस्ट्री बन चुकी है, वो सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर गाइड ईजिली मिल जाते हैं, वो तो आसपास ही घूमते रहते हैं, और केवल 200 रुपये में वो आपको सारी हिस्ट्री समझा देते हैं, जेल में क्या क्या होता था, किस तरह से कैदियों को रखा जाता था, उनके साथ जो जैसा जैसा भी व्यवहार होता था वो सब कुछ वो लगभग 1 घंटे में पूरे जेल को के बारे में बता देंगे और घुमा देंगे। हमने भी गाइड हायर किया था। हम लोग आज़ादी मिला, काफ़ी लोग ये बात पता नहीं, मतलब ये जेल में जो भी लोग को भेजे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसको इंडिया से देश निकाला सजा होता था, उन्हीं को अंडमान भेजने का मेन कारण ये था कि अंडमान से ना वो भाग सके, ना कोई कम्युनिकेशन कर सके, ना कोई रिवोल्यूशन कर सके। कलकत्ते से ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से रोशनदान इतनी ऊंचाई पे था कि आसानी से उसको तोड़ के बाहर भाग सकते थे, लेकिन ये जो जेल थी वो समुद्र के बीचों बीच बनी थी। स्टार शेप में 7 विंग्स बनाई गई थी। ये 7 विंग्स स्टार शेप में बनाने का रीजन है, आर्किटेक्ट एमसी प्लान बहुत दिमाग वाला था। इस्तेमाल वो बर्मा से मंगाए, क्योंकि बर्मा अंडमान के पास और ब्रिटिश अंडर में। बड़ी दुख की बात है कि जिनसे बनाए उन्हीं को रखने की वजह से सैलरी नहीं था। केवल अपने देश के ही नहीं, आसपास के देशों के लोगों को भी यहाँ बंदी बना के रखा जाता है। हिंदी में बोलते, इंग्लिश में सेल बोलते। यू कैन पॉसिबल टू सी द सेल, केवल सेल देखने मिले, उसके सेलर जेल नाम पड़ा। और जितने भी सेल्स बनाए सब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सेम साइज। एक साथ 200 कैदियों ने एक बार भागने की कोशिश की थी तो 87 लोगों को एक साथ फांसी दे दी, जिससे कि और कोई ऐसा कदम नहीं उठाए। अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचारों से तंग आकर कई लोगों ने तो सेल में ही लटक कर फांसी लगा दी थी। गैंगस्टर होने के लिए 8 फीट डेप्थ है, जो
देख सकते हैं, अगर इस जेल में किसी को हैंग हुआ है तो उनको रिलीजन जो भी होता था, चलता है सर, चलता है, वो आवाज़ हम कंट्रोल कर लेंगे, जो भी रिलीजन होता है उसके हिसाब से अंतिम जिनको याद करना याद कर सकते थे, रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन होते हैं, पीछे में जगह है। कहने को तो ये कार्यशाला है, लेकिन सजा देने के कई तरीकों में से एक था हाथ से नारियल का तेल निकलवाना। टारगेट बड़ा होता था, इम्पॉसिबल होता था, काम पूरा नहीं होने पर सजा दी जाती थी। अंग्रेजों ने इतने अत्याचार किए थे कि आज के टाइम में तो जानवरों पे भी नहीं कर सकते। का पनिशमेंट जिनको देना है, ध्यान दीजिए, उन्हीं के काम की कोटा होता था, समझ गया क्या? पनिशमेंट देने वाला इंडियन है, इंडियन से जेल बनाए हैं, हमारे इंडियन को अटका है, इंडियन से जिनको पनिश करवाते थे, हंटा या बेस थे, इसी जगह पे मार देते थे, इस जगह पे। जेल में जो भी फ्रीडम फाइटर्स आते थे, इस्तेमाल करने के लिए जो कपड़ा होता था, उसमें इस प्रकार के टॉप पैंट, एक कुर्ता, एक कैप होता था, कैप यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तो यहाँ के लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना के आके काम करते समय, खाना लेते समय आपस में जो ज्यादा कम्युनिकेट करते। जूट से बनी हुई ये ड्रेस पहनना भी एक सजा के बराबर था, जो स्किन को छील देती थी। इस जेल की जो बाउंड्री थी केवल 7 फीट की थी, जिसको कोई भी कैदी आसानी से कूदकर बाहर पार कर सकता था, लेकिन चारों तरफ पानी था तो समुद्र को तैरकर पार करना, लौट के आना तो मुश्किल था। और ये जो विंग्स देख रहे हैं आप जेल में जो बनी हुई थी, 7 विंग्स के इस तरह का स्ट्रक्चर था कि एक का दरवाज़ा था तो दूसरे का बैक साइड था। कोई भी कैदी एक दूसरे का मुंह तक नहीं देख सकता, किसी को नहीं पता कौन कहाँ रह रहा है, बात करना तो दूर की बात थी, जिससे कि ना वो कोई प्लानिंग कर सकते थे, ना विद्रोह कर सकते थे। क्रांतिकारी विनायक सावरकर और गणेश सावरकर दोनों सगे भाई थे, इसी जेल में 2 साल तक बंद रहे, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल पता नहीं चला कि दोनों भाई सेम ही जेल में कैद हैं। यह नाम लिखे हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के जो लास्ट तक इस जेल में रहे थे। दोस्तों, सेलुलर जेल नई जेल है, लेकिन पुरानी जेल है रोस आइलैंड पर। जब 1857 के विद्रोह के बाद क्रांतिकारियों को पहली बार काला पानी की सजा हुई थी तो वहीं रखा गया था। वहां अभी भी खंडर बन चुकी है इमारतें, लेकिन आप अगर आएँ तो उस जगह को ज़रूर देखिए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दरवाजे और कुंडी के बीच में इतना गैप था कि अगर कैदी को भी चाबी दे दी जाए तो वो खोल के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि काफ़ी गैप था, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता था। हर कैदी को 2 बर्तन देते थे, जिसमें एक में खाना देते थे और एक टॉयलेट के लिए यूज होता था। 1963 में गोविंद बल्लभ पंत नाम का हॉस्पिटल वहाँ बना, उससे पहले कोई सुविधा नहीं होती थी, बीमारियों से भी बहुत कैदी मर जाते थे। सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, वॉच टावर पे खड़े हैं, जहाँ से पूरे जेल की निगरानी, 7 विंग्स की निगरानी रखी जाती थी। और जेल के बाद तो चारों तरफ यहाँ पानी ही पानी दिखाई देता है। सेंटर से जेल की 7 विंग्स की जो कनेक्टिविटी थी वो लकड़ी के रास्ते से थी। अगर किसी एक विंग में कोई भी गड़बड़ हो रही है, विद्रोह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आसानी से उस कनेक्शन को ही ख़त्म कर देते, आने जाने के रास्ते को ही हटा देते थे। ऊपर की एक विंग में लास्ट जो काल कोठरी थी वो है वीर सावरकर की, जहाँ इन्होंने 10 साल से भी ज़्यादा की सज़ा काटी थी। कुछ टाइम पहले अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहीं पर आकर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने आए थे। सावरकर के मजबूत इरादों से तो अंग्रेज भी डरते थे, इसी वजह से इनको लोहे के डबल दरवाजे वाली काल कोठरी में रखा था। वैसे इनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, इनके फॉलोअर्स ने इनका वीर नाम दिया था, और अब यहाँ के जो एयरपोर्ट का नाम है वो भी इन्हीं के नाम पर है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। वीर सावरकर ने आज़ादी पाने के लिए संदेश दीवारों पर पत्थरों से, किलों से, यहाँ तक कि अपने नाखूनों से भी लिख दिए थे, क्योंकि हर 45 दिन बाद कैदी की कोठरी चेंज हो जाती थी। दोस्तों, ऐसे संदेश पढ़कर और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें आज़ादी किस कीमत पर मिली है। कुछ दिनों में कोरोना काल में जब हम लोग अपने ही घर में बंद थे तो जेल जैसा महसूस होने लगा था। अपने वीरों की इस बलिदान भूमि का नया नाम राष्ट्रीय स्मारक रखा गया है। जिनसे एग्जिट करते समय ये सागरिका नाम की शॉप आएगी, जो जेल के गेट के पास ही है, मेन गेट के पास, यहाँ से आप कुछ भी मोमेंटो गिफ्ट वगैरह ले जा सकते हैं। सेलुलर जेल के बिल्कुल ठीक सामने वीर सावरकर पार्क है, जहाँ कोई टिकट नहीं लगती, ओपन टू ऑल है। और यहाँ पर 7 स्टैचू लगी हुई है अपने वीर क्रांतिकारियों की। और जब हम वापस जा रहे थे तो यहाँ से नज़ारे देखने को मिले, बहुत ही सुंदर, कुछ इस तरह के,
यहाँ कार्विन नाम का बीच था। वैसे तो रात हो चुकी थी, समुद्र का जो पानी था वो हाई टाइड हो रहा था, इस वजह से पानी से तो दूर रहने की वार्निंग दी जा रही थी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस जगह के बारे में, वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में डिटेल देख सकते हैं। यहाँ मिलने वाले फ्रेश नारियल पानी की कीमत तो 50 रुपये है, लेकिन ये कम से कम 4 गिलास पानी इसके अंदर है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला दिन जिसमें हमने तीनों जगह देखी। 2 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे थे पोर्ट ब्लेयर के, और 3:30 बजे से हम जेल में घूमे और पार्क में घूमे और बीच पर घूमे। नेक्स्ट डे हमें जाना था क्रूज़ से एक आइलैंड पर जिसका नाम है स्वराज द्वीप, पहले का नाम हैवलॉक, और वो हमारे जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हम जल्दी ही मिलेंगे, अगले वाले वीडियो भी ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।